नमस्कार जी, स्वागत करते हैं हम आपका नए ब्लॉग में। इस नए ब्लॉग की शुरुआत करने से पहले कहना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो ये रही हमारी आईडी, यहाँ पर आप फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर हम डेली लाइव आते हैं और आप सभी से ढेरों बात करते हैं। इस मैडम के कारण हो गया लेट, ये लेट उठी ना हमको उठाई, हम उठे तब चल कर इसको उठाए। आपके कोई कपड़े प्रेस नहीं रहते, कहीं जाना हो तब ये कर दो वो कर दो। तो पहले प्रेस करके क्यों नहीं रखे थे? तुम्हारी गलती है ना कि हमें ये पहनना, हम कोई और करके रखे थे। हमको क्या मालूम क्या पहनना है, वो तुम ही देखती है ना क्या पहनना है। धन्यवाद पत्नी महारानी का, जो हमें 5 बजे निकलना था, अब 5:30 बज चुका है। इसकी वजह से कह रहे थे सवेरे उठ जाओ। नहीं नहीं, 20 मिनट थोड़ा सो जाते हैं, उसके बाद कर लेंगे। हो गए 20 मिनट? उसके बाद भाई साहब तैयार होने में जो समय लगता है इसको जल्दी चलो तब। अभी बज रहे हैं 6 और हम लोग घर से निकल चुके हैं। धन्यवाद दिया का जो 5 बजे निकलने वाले थे, 6 बजे निकल रहे हैं। वेलकम। ये बारिश भी होने लगी है। क्या कहे जी, अब बारिश तेज होगा तब तो दिक्कत हो जाएगा। जल्दी निकलते हैं अब। ओके जी, मिलते हैं फिर। ये क्या हो रहा है? बाहर सब आया है, सब मछली वाले। A few moments later. मेरे लिए पल्स ले लेना। वैसे सुबह 8 बजे उठते थे और आज आपको 7 बजे भूख लग गई है। बहुत बढ़िया, ब्रश जैसे मुंह में लगाते हैं भूख लगना शुरू हो जाता है। ये लो अपना पल्स, और ये रहा मेरा बिस्किट। अपना बिस्किट खाते हैं थोड़ा तब निकले। मिल नहीं रहा था, इससे अच्छा ऑप्शन था ही नहीं कुछ। देखो कैसे खा रहे। हेलमेट खोलना पड़ेगा, बंद करो। बैठो। कुछ पता नहीं है कि कहाँ किधर जाना है। अपना चारा ना मालूम नहीं है तो आप जीपीएस से देख लो। A few moments later. जी हम लोग यहाँ पर बीच रास्ते में रुके हुए, एक साइड मिल गया, बारिश होने लग गई है इधर, तो इसीलिए हम लोग को रुकना पड़ा। तो बगल में एक मंदिर है, तो देखते हैं, तो यहीं पर हम लोग रुके हैं। और ये बच्चे सबको देखिए, सोच रहे होंगे क्या सूट हो रहा है। बिल्कुल। तो व्लॉगिंग करना आसान नहीं है जी। हम जो है इंतजार कर रहे हैं कब बारिश खत्म हो और कब निकले, क्योंकि बस यहाँ से 5 किलोमीटर और बाकी है नवंजिया के लिए और हम यहाँ पर अटक गए हैं। अब बारिश जिस तरह से हो रही है लग रहा है कि टूटेगा।
तब देखेंगे बारिश नहीं रुकने वाली है, तब तो निकल ही लेंगे। निकल इसलिए नहीं रहे हैं कि आजकल थोड़ा मौसम खराब चल रहा है, सर्दी बुखार लग गया तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। वैसे ही हम लोग अभी अभी उभरे हैं सर्दी बुखार से। अच्छा नहीं ना फोटो ने वीडियो आप यूट्यूब चल रहे थे, यूट्यूब में वीडियो डाले थे हम लोग, होता है कम से कम 20-40 हज़ार लोग सब गए देखने के लिए। हाँ पैसा हीरो अमिताभ बच्चन के फोटो हम देखने रहिए, ये लो है। अच्छा वही समय के हम सब फिल्म करने के रेल पर डांस करना जी मन समग्र जन कनियो झलके शाहरुख खान सब निकले लगे अमिताभ बच्चन तो कहते ना जागर हर प्रचार के टैली में अलग स्टाइलिंग जी लग रहा है अब थोड़ी बारिश कम हुई है तो अब हम लोग निकलते हैं यहाँ से। ये रहा मेरा गांव और वहां मेरे बाबा। A few moments later. फिर जी बर्थडे का सेलिब्रेशन शुरू हुआ, भले यह एक छोटा सा सेलिब्रेशन था लेकिन जो भी था काफ़ी मज़ा आया। लॉकडाउन की वजह से हम लोग ज़्यादा तो इकट्ठा नहीं कर पाए जितना कुछ सोचे थे, और मेरे साले साहब जिनकी उम्र अभी काफ़ी कम है वो काफ़ी खुश हो गया कि कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है। उसे तो उम्मीद ही नहीं थी कि इतना भी हो पाएगा, लेकिन हमने कर लिया किसी तरह से। मार्केट में इतना खंगाला तब जा करके कुछ मिला, और वहाँ पर जो है साथ में उसने प्लास्टिक वाला वो चाकू दिया नहीं, तो हमने सब्जी काटने वाला ही चाकू का इंतजाम कर लिया। तो कहा कि चलो इसी से करते हैं अपना सेलिब्रेशन, और फिर सभी लोग इकट्ठा हो गए। जिया की फैमिली जो है एक ज्वाइंट फैमिली है तो इसलिए थोड़ा अच्छा खासा मेम्बर हो जाता है वहाँ पर। और साथ में ये देखिए प्यारी प्यारी बच्चे सब भी आ गए हैं, और ये सब मेरे साले साहब के सहपाठी हैं। तो फिर जी हमारा एक अच्छा सा और एक छोटा सा एक प्यारा सा सेलिब्रेशन शुरू हुआ है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू शिवा। उसको भी बुझा लो, एक और बुझा लो। फिर जी साले साहब ने अपना सभी को केक खिलाया, और फिर बारी आई अपनी बहन को केक खिलाने की। कैमरा मैन को खिलाने की बारी, तो आप अच्छे से समझ सकते हो कैमरा मैन कौन हो सकता है। The next day. अभी हम है ससुराल में, कल तो शूट कर नहीं पाए क्योंकि बहुत ही थक गए थे हम लोग, और थोड़ा सा फैमिली मेम्बर के बीच में कंफर्टेबल भी नहीं है हम लोग, तो सोचे कि आज शूट करेंगे। आज सुबह हम लोग निकल रहे हैं गंगा किनारे,
आप लोगों ने जो भी होली का व्लॉग देखा होगा उसमें हमने दिखाया था वो गंगा किनारे का सीन, तो अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं। देखिए जिया उस साइड है, जिया भी निकल रही है, आगे रिया है और इधर मेरे साली साहब हैं। तो हम लोग चल रहे हैं गंगा किनारे और वहां चलकर करते हैं ढेर सारी मस्ती। ये है जी बगीचा हमारा। इस बगीचे के नीचे थोड़ा समय बिताने में बड़ा मजा आता है। कितनी भी धूप हो यहाँ पर आ जाइए, आपको धूप का एहसास ही नहीं होगा। तो अब चलते हैं हम लोग। और जी हम पहुंच गए गंगा किनारे और इधर जो है